कॉलम के वॉल्यूम के लंबाई, इसकी जो थिकनेस है, लंबाई और हाइट, ये वाली जो थिकनेस है 0.4 मीटर है, ये 1 मीटर, ये 2.7 है। कॉलम की कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए आपके पास चाहिए कॉलम की हाइट, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई। अब ये तीनों को लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को इंटू कर देना है तो 1.08 आ जाएगा। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं M25 जो कि कॉलम के कास्टिंग के लिए 1:1 और 2 का जो रेशियो है। और जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो जो टोटल वॉल्यूम निकाले वो रख देना है 1/4 कर देना है। ये है ड्राई वॉल्यूम, ये है डेंसिटी, सीमेंट की डेंसिटी से इंटू कर देना है। यहाँ पर रहेगा आपका केजी में, इसको केजी से कर देना, इसको केजी से 50 बैग में इंटू कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका 11.75 बैग्स लगे हैं। सैंड का कैलकुलेशन करने के लिए जो टोटल वॉल्यूम आया 1.08 प्लस जो सीमेंट जो सैंड का जो पार्ट है 1:1 और टोटल सम है 4, ड्राई वॉल्यूम के लिए इंटू करना है और सीएफटी के लिए आपको ये जो है इससे इंटू कर देना है। तो ये क्या है, जो आपका सैंड का क्वांटिटी वो सीएफटी में निकल जाएगा। सेम इसी इसके जैसा ही क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट आपको निकालने के लिए सेम इस तरीके का प्रोसीजर करना है, जो कि ये 2 है, ये एग्रीगेट का पार्ट है। ये देखिए, ये है ड्राई वॉल्यूम, ये है सीएफटी में कैलकुलेशन के लिए आपको इसे इंटू कर देना है। कॉलम कास्टिंग के टाइम में वाइब्रेटर प्रॉपर इस्तेमाल करें।